नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी किसी शादी की समस्या को लेकर परेशान हैं? आपकी भी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी भी काफी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाई। रिश्ते आते हैं और लौट जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी का रिश्ता आया, पक्का भी हो गया और शादी की डेट भी कन्फर्म हो गई, लेकिन कुछ ही दिन शादी के बचते हैं कोई ना कोई ऐसी समस्या उपस्थित हो जाती है कि जिसके चलते वो रिश्ता टूट जाता है और शादी नहीं हो पाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शादी में रुकावट क्यों आ रही है और शादी किस उम्र में होगी ये हम कैसे जानें? तो आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारी शादी किस उम्र में होगी, शादी में रुकावट क्यों आ रही है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं YouTube चैनल चौहान ज्योतिष और मैं हूँ आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान। आप देखिए अपने हाथ में जो सबसे छोटी उंगली के नीचे आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हस्तरेखा शास्त्र में विवाह रेखा कहा जाता है। इन्हें प्रणय रेखा भी कहते हैं, प्रणय यानी प्रेम की रेखा, क्योंकि ये रेखाएं हृदय रेखा के पास होती हैं और कोई भी प्रेम अगर हृदय से होगा तो आपकी शादी भी हो जाएगी और ये प्रणय रेखा कहना इनका उचित ही है। तो अब जानना हमको ये है, हमारे हाथ में शादी की रेखा तो स्पष्ट है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, अब शादी किस उम्र में होगी हम ये कैसे जाने? तो देखिए अपनी हथेली में आपके हाथ में जो रेखा है, विवाह रेखा है, वो कहाँ पर स्थित है? मान लीजिए हस्तरेखा शास्त्र में छोटी उंगली के मूल से लेकर और हृदय रेखा के जो इसके बीच में दूरी है उसको हस्तरेखा शास्त्र में 60 वर्ष की उम्र माना गया है। अगर उंगली के मूल से लेकर और हृदय रेखा तक हम एक खड़ी लाइन खींच दें और उसको दो बराबर भागों में बांट दें तो 30 वर्ष ये भाग होगा और 30 वर्ष ये भाग होगा। अब देखिए आपके हाथ में जो विवाह रेखा है वो किस भाग में है? जो हृदय रेखा की तरफ वाला भाग है उस भाग में है या जो उंगली की जड़ की तरफ भाग है उस भाग में है? अगर आपके हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ वाले पार्ट में है तो आपकी शादी 30 वर्ष की उम्र तक होगी या 30 वर्ष के पहले होगी या 30 वर्ष तक होगी। अगर आपके हाथ में विवाह रेखा यही जो हमारा दो पार्ट है वो छोटी उंगली की तरफ वाले भाग में होगी तो आपकी शादी 30 वर्ष के बाद होगी। अब एक रीजन ये भी है कि किसी के हाथ में ये विवाह रेखा एक होती है तो किसी के हाथ में दो होती है तो किसी किसी के हाथ में चार भी होती है। इनका मतलब क्या है? क्या अगर आपके हाथ में शादी की चार रेखाएं हैं, चार विवाह रेखाएं हैं, तो आपके चार विवाह होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में तीन या चार रेखाएं हैं तो जो सबसे स्पष्ट और गहरी और लंबी रेखा होगी उससे ही हम विवाह को जानेंगे। बाकी जो छोटी छोटी रेखाएं हैं या अस्पष्ट रेखाएं हैं उनको सिर्फ प्रेम संबंध या शादी का इरादा प्रकट करने वाली रेखाएं समझेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भी इस संबंध में जानकारी मिली होगी। अगर विवाह से संबंधित आपका कोई प्रश्न है या आप भी कोई समस्या हमसे साझा करना चाहते हैं, आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हमें अपना सवाल लिखें और हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।